हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्ट्रीमिंग सेटअप कैसे कर सकते हो। ये सेटअप बिगनर्स के लिए रहेगा, इसमें एडवांस कुछ नहीं रहेगा, तो आप इजीली कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रीम लैब्स है, मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसा सब प्रोसेस किया जाता है। ये कर दिया मैंने अन इंस्टॉल। तो स्ट्रीम लैब्स डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खोलना है क्रोम, उस पर सर्च करना है स्ट्रीम लैब्स, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर जाना है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करना है स्ट्रीम लैब्स और इसको इंस्टॉल करना है। अब जब फर्स्ट टाइम आप स्ट्रीम लैब्स रन करोगे तो टाइम लग सकता है ये सब प्रोसेस होने में, टेंशन मत लो, थोड़ी देर वेट करो, हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं स्ट्रीम लैब्स की सेटिंग्स बताता हूँ क्या करना है आपको। तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है सेटिंग्स के आइकन पे और जनरल में कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रख दो। बाद में आना स्ट्रीम पे और यहाँ पे यूट्यूब पे लॉगिन करना है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो मेरा लॉगिन हो चुका है। बाद में आते हैं आउटपुट में। आउटपुट में जो ऊपर सिंपल है उसको आपको चेंज करना है एडवांस में। एडवांस में करने के बाद आपको एनकोडर सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास नया ग्राफिक कार्ड रहेगा तो आपको हार्डवेयर एनवेक न्यू ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास पुराना ग्राफिक कार्ड है तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एनवेक उतना ही आएगा। अगर आपके पास प्रोसेसर अच्छा है या पावरफुल प्रोसेसर है आपका, तो आप सॉफ्टवेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी की सेटिंग सेम कर लेना, सिर्फ यहाँ पे जो बिटरेट है ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड रहेगा। जितना स्पीड आपका ज़्यादा इंटरनेट का उतना ही आप ज़्यादा बिटरेट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 30 Mbps है तो आप 5000 बिटरेट रख सकते हो। अगर आपके पास 50 Mbps है तो आप 7000 रख सकते हो। अगर आपके पास 100 Mbps है तो आप 10000 या 12000 बिटरेट रख सकते हो। जो बाकी की सेटिंग्स है वो सेम कर देना। अब ये हो गई स्ट्रीमिंग की सेटिंग्स। अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है और सेपरेटली यूट्यूब पे डालना है तो उसके लिए सेम सेटिंग्स रहेगी। आपको पाथ सिलेक्ट करना है, आपको एनकोडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। आपको MP4 में चाहिए, MKV में चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप MP4 में रिकॉर्ड करो क्योंकि ये फॉर्मेट एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसमें एक चीज़ चेंज होगा, वो है आपका बिट रेट। यहाँ पे मिनिमम 10,000 बिट रेट रख लेना। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप 20,000 भी रख सकते हो, 30,000 भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। बाकी किसी सेटिंग्स को कुछ नहीं करना, सब सेम रख दो। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो। ऑडियो में आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आता है वीडियो। वीडियो में आपको आपका बेस रेजोल्यूशन रखना है 1080p या जो भी आप गेम खेल रहे हो उसका रेजोल्यूशन रख लेना है। और जो आउटपुट रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन रहेगा आपके यूट्यूब स्ट्रीम का। अगर आप 1080p 60fps पे करना चाहते हो तो आउटपुट रेजोल्यूशन में 1080p सिलेक्ट कर दो। स्केल डाउन में ये सिलेक्ट कर देना। FPS में कॉमन FPS वैल्यू सिलेक्ट कर देना, कॉमन FPS वैल्यू में 60 कर देना। अब आपकी स्ट्रीम लैब्स की सब सेटिंग्स हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके स्ट्रीम को अट्रैक्टिव कैसे कर सकते हो यूजिंग ओवरलेस। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो साइन दिख रही है आपको, ये है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे सिलेक्ट करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा क्रोम पे। ओके, क्रोम पे जाकर आपको साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद तो आप जाओ थीम्स एंड ओवरले पे। और यहाँ पे टाइप करो फ्री। तो जो भी फ्री ओवरलेस है वो सब आपको इधर मिल जाएगी। इसमें से कोई भी आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है आपको। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको अपने स्ट्रीमलेस पे। यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल थीम पे, तो आपका हो जाएगा। ये थीम ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए वापस नहीं इंस्टॉल होगी। जो भी थीम्स आप इंस्टॉल करोगे वो यहाँ पे आ जाएंगे।
देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे थीम्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। अभी मेरे पास ये प्रेडेटर रेड करके थीम है, इसमें देखो स्टार्टिंग ऑलरेडी उन लोग ने करके दिया है। आपको स्ट्रीम स्टार्टिंग पे क्लिक करना है और गो लाइव बटन दबाना है तो आपका स्ट्रीम शुरू हो जाएगा। इसका स्टार्टिंग ऐसा दिखता है, इसका एंडिंग ऐसा दिखता है, यह आपका इंटरवल या जस्ट चैट वाला स्क्रीन। अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है आपकी माइक की सेटिंग्स। देखो माइक की सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा आवाज़ है विथ फिल्टर्स। अभी मैं सब फिल्टर्स हटा देता हूँ, उसके बाद आपको मेरा आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है। अब ये जो आवाज़ है आप सुन रहे हो, ये है मेरा विदाउट फिल्टर्स। देखो आपको कितना आवाज़ आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना माइक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स दिख रही है, इस सेटिंग्स में जाकर प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपको आपका माइक सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है फिल्टर्स में। मैं जो पर्सनल फिल्टर्स यूज़ करता हूँ वो बेस पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं जो फिल्टर्स बताता हूँ वो उसी ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आएगा नॉइज सप्रेशन, और इसका मेथड लो वाला कर दो और इसकी लेवल -30 पर सेट कर दो। बाद में आता है कंप्रेसर, इनकी जो वैल्यू है वो भी वैसी की वैसी कॉपी कर देना। बाद में आता है नॉइज़ गेट और लिमिटर। आपको एक्सपांडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपका आवाज़ बहुत ही कम रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब आपका आवाज़ बहुत ही कम लग रहा है आपको, तो आप एक और फिल्टर ऐड कर सकते हो जो है गेन। इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप स्ट्रीमलैब्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसमें ओवरलेस कैसे डाल सकते हो, स्ट्रीमलैब्स की सेटिंग्स कैसी करनी है और माइक के फिल्टर्स कैसे लगाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने कस्टम ओवरलेस कैसे बना सकते हो और BGMI के ओवरलेस कैसे बना सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।